स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा कांडपाल वंस अगेन विद यू विद द लास्ट पार्ट ऑफ अ लेटर टू गॉड। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो लेंचो है उसने गॉड को एक लेटर लिखा और वो लेटर जो है पोस्ट मास्टर को दिया, और पोस्ट मास्टर ने जैसे ही ऑफिस में वो सभी के साथ वो लेटर पढ़ा, क्योंकि उसमें कोई एड्रेस नहीं था, तो फिर उसे देखने के बाद लोगों ने डिसाइड किया वहाँ के कि वो उस गरीब फार्मर को क्या देंगे, कुछ पैसे देंगे और उसकी हेल्प करेंगे। तो ये सब डिसाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पैसे रखे और ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाए, लेंचो की हेल्प कर पाए। बट लेंचो ने उस हेल्प को बहुत ही वियर्डली आंसर किया लेटर में। उन्होंने उस खुद ही जो पोस्ट मास्टर थे और जो वहाँ के पोस्ट लाइक मैकेनिक्स थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उनको बिल्कुल झूठा साबित कर दिया और उनको चोर साबित कर दिया। ये बोला कि उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो आज हम उसके करेक्टर स्केचेस पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर स्केचेस में जो वैसे तो मेन कैरेक्टर लेंचो है, बट आई वुड लाइक टू से दैट मेरे लिए तो रियल कैरेक्टर वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने पैसे दिए वो सब हैं। तो सबसे पहले हम उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ के लोग जिन्होंने पैसे दिए कैसे थे। तो अब हम बात करें कि यहाँ के पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ थे, तो भाई वो बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि उन्होंने पोस्ट मास्टर के थ्रू उनको पैसे भिजवाए। लेकिन जब उसने लेटर देखा और मतलब थोड़ा हंसे वो, उसके बाद उन्होंने उसकी हेल्प की, और बट फिर भी लेंचो ने एंड में उन्हें क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स, OMG, यानी कि वो लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, जिन्होंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जो कि बिल्कुल सच नहीं था। इसके बाद हम करते हैं दूसरा, जो कि है पोस्टमैन साहब। पोस्टमैन को तो आप जानते ही हैं, जो हमें चिट्ठियां पहुंचाता है। जब हमारे पास मोबाइल नहीं था और इसके अलावा सोशल मीडिया नहीं था, तो चिट्ठियां ही हमारी बात करने का एक सिंगल ऐसी चीज़ होती थी जो हमें अपने दोस्तों या फिर अपने ऐसे लोग जो हमारे बहुत नियर बाय थे, नियर बाय इन द हार्ट लाइक, तो उनको हम बात कर सकते थे। बट आजकल बिकॉज ऑफ फ़ोन, इंटरनेट, हम पोस्ट मास्टर को देखना ही भूल गए हैं, उसके बारे में ही जानना भूल गए हैं। बट फिर भी जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत मोटा था, और उसने भी क्या किया, जो लेंचो का गॉड पे फेथ था उसे तोड़ा नहीं, उसको बनाने में लेंचो की हेल्प की। उसने क्या किया, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो की हेल्प के लिए दे दिया। बट फिर भी आपको पता है लास्ट में उसने क्या कहा लेंचो ने उसे, बंच, मतलब ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बंच ऑफ ग्रुप। सो नेक्स्ट इज वन एंड ओनली लेंचो। सी हाँ, ये स्टोरी बहुत फनी है और इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत फनी हैं, मतलब लाइक लेंचो जिसने मतलब हेल्प के बाद, बिकॉज उसको पता नहीं था, तो शायद ऐसा हो कि उसे लगा कि पैसे कम है तो उस भगवान ने जो पैसे दिए थे उसमें से वो ले लियो। बट फिर भी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा फनी निकल कर आता है। तो देखते हैं अब लेंचो के बारे में कि जो लेंचो था वो कैसा था। मैंने एक पोर्ट्रेट भी दिया आपको लेंचो की, जिसमें आपको बहुत परेशान दिख रहा है। ये उस टाइम की है जब लेंचो की फसल ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत दुखी था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। उसके पास सिर्फ एकमात्र सहारा बचे थे, वो थे वन एंड ओनली भगवान, यानी कि गॉड। तो लेंचो जो था वो आपको पता है एक बहुत ही गरीब और दबा कुचला सा फार्मर था, किसान था, और जिसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही हार्ड सिचुएशन में जी रही थी। क्योंकि जब हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते हमारे अपने जीवन को चलाने के लिए, तो हम लोग बहुत बेसहारा सा फील करते हैं, तो ऐसा ही वो भी फील करता था। और बट वो बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास करता था, उसे लगता था कि जो है सब भगवान ही है और भगवान के अलावा कोई कुछ भी नहीं है, और वो बहुत इनोसेंट भी था। हाँ, पूरी स्टोरी में आपको ये तो दिखा ही होगा कि वो बहुत इनोसेंट है, क्योंकि उसने हेल्प भी मांगी, हेल्प भी मिली, और उसके बाद उसे लगा कि भगवान ने उसे पैसे भिजवा दिए, और उसके बाद उसने जो कि अब आपको पता ही है। तो बहुत आशावादी भी था वो, ठीक है, और बहुत केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल भी था। तो
ये आज की वीडियो थी, इसे ज़रूर लिखें अपनी कॉपी और मुझे व्हाट्सएप पर।